हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरी शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बिल्डिंग संचालन में। फ्रेंड्स, लास्ट हम दो वीडियो से कंप्रेसर के बारे में बात करते रहे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, डायनामिक और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो प्रकार के बताए थे, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी में मैंने रेसिप्रोकेटिंग में भी तीन प्रकार के बताए थे, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और डायफ्राम टाइप। तो सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे डायफ्राम जो कंप्रेसर होता है वो कहाँ यूज होता है, कैसे काम करता है और क्या प्रोसेस है, और जो डायफ्राम होता है वो किस मेटल का होता है। इन सभी बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मैंने एक नंबर पे लिखा हुआ है डायफ्राम कंप्रेसर। सबसे पहले बात यह आती है फ्रेंड्स, डायफ्राम कंप्रेसर समझने से पहले हम ये बात करते हैं कि डायफ्राम कंप्रेसर कहां यूज होता है और डायफ्राम कंप्रेसर की क्यों जरूरत पड़ती है। एक्चुअली फ्रेंड, डायफ्राम कंप्रेसर को यूज करने के लिए, डायफ्राम कंप्रेसर जो हम यूज करते हैं वो नॉर्मली, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस, ये फ्रेंड्स उन गैसों में यूज होता है जो रेयर गैस होती हैं, जैसे सीएनजी है, नेचुरल गैस है, रेडियो एक्टिव गैसें हैं, और जो गैसें जो मतलब ऐसी हार्मफुल हैं या जो बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली हैं, जिनको हमें बिल्कुल सील्ड तरीके से यानी विदाउट लीकेज हुए हमें उनको कंप्रेस्ड करना है, ऐसी जगह पर ये काम आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव, फ्लेमेबल गैस, टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक मीन्स जहरीली, एक्सप्लोजिव यानी बहुत ज़्यादा आग लगने वाली, रेयर गैसेस और सीएनजी और नेचुरल गैस, इन सभी में भी इस कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है, जहां हमें कंप्रेस्ड सीएनजी या कंप्रेस्ड सीएनजी जिसको बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हो आप, वही चीज़ जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम डायफ्राम टाइप का कंप्रेसर यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ये डायफ्राम कंप्रेसर होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, डायफ्राम कंप्रेसर के लिए मैंने एक संरचना बनाई हुई है, एक चित्र बनाया हुआ है, आप इसे कह सकते हो, या एक इमेज बनाई हुई है, हम पहले उसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये इसको हम समझने के लिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी कंप्रेसर को चलाने के लिए प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है, या जब कंप्रेसर चलता है तो पिस्टन के थ्रू चलता है। तो सबसे पहले आप देखिए क्रैंक शाफ्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इंजन से चल रहा है तो ये क्रैंक शाफ्ट है, और क्रैंक शाफ्ट इंजन से चले या मोटर से चले, क्रैंक शाफ्ट के थ्रू ही कंप्रेसर चलेगा। तो अब आप देखिए, ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग होता हुआ ये कनेक्टिंग रोड है, इसी क्रैंक शाफ्ट बोल देते हैं इसको, या ये क्रैंक है। तो ये शाफ्ट है, किसकी शाफ्ट है, ये पिस्टन की शाफ्ट है, जो पिस्टन इसके अंदर चलता है। तो ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए इसकी मैं बता देता हूँ पहले मोटा मोटा क्या है। ये जो आप आउटर बॉडी देख रहे हो, ये फ्रेम है, या आप इसको कह सकते हो सिलेंडर। ये जो सारी चीज़ होती है ना फ्रेंड, ये हेड होता है, आप इसको हेड बोल सकते हो। ये बोला ही हेड आ जाता है इंजन में, या किसी भी चीज़ में जब कंप्रेसर लगा होता है तो उसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पिस्टन पार्ट चलता है, सिलेंडर रहता है जिसमें सब कुछ होता है। तो ये सिलेंडर है फ्रेंड्स, ये जो है सिलेंडर है, सिलेंडर की आउटर बॉडी है, ठीक है सारा, और सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है सारा, जो आप देख रहे हो पिस्टन है। पिस्टन में ये जो मैंने दो तीन ऐसे बनाए हैं, ये खांचे टाइप के होते हैं और इनमें रिंग होते हैं। क्या होते हैं, रिंग, जिससे इसमें लीकेज ना हो, यानी ऊपर जो चीज़ है वो नीचे ना आए, उसलिए रिंग डाले जाते हैं। और ये रिंग भी स्टेनलेस स्टील के होते हैं फ्रेंड, रबर के नहीं होते हैं, ये अलग मटेरियल के होते हैं, कॉपर के होते हैं या किसी और मटेरियल के भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो इस तरीके की, ये दो भागों में बटा हुआ है। ये जो मैंने अंडाकार आकृति बनाई हुई है, ये इसी शेप का होता है और ये दो भागों में बटा हुआ है। तो दो भागों में बटा होने का मतलब, जो ये आप बीच वाला देख रहे हो, ये जो चीज है ये डायफ्राम है फ्रेंड्स। क्या है, डायफ्राम। तो डायफ्राम में अब होता क्या है, आप पहले पूरी चीज देखो, अभी इस चीज को ना देखें हम। ये क्या है, ये मैंने बताया ये पिस्टन है, अप डाउन इसका काम है, सिलेंडर में अप और डाउन होना। तो ये जो है डायफ्राम है, और डायफ्राम का जो ऊपरी हिस्सा है ये बिल्कुल सील्ड है, यहाँ से किसी भी सूरत में ये गैस है, ये फ्रेंड्स क्या है, गैस, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और ये इसके वाल्व हैं, कौन कौन से वाल्व, ये सक्शन वाल्व है, ये डिस्चार्ज वाल्व है, यानी गैस इसके थ्रू अंदर आएगी और इसके थ्रू बाहर निकल जाएगी। फ्रेंड्स ये दो भागों में बटा हुआ है तो आप जान रहे हो। अब ये काम कैसे करता है वो हम एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें काम करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। ये अभी इसकी एक स्थिर अवस्था है, स्टैटिक स्टेट है, यानी ये अभी स्थिर अवस्था है। इस कंडीशन में डायफ्राम कुछ भी काम नहीं कर रहा, न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में क्या है फ्रेंड, इसके ऊपरी भाग में गैस और नीचे के भाग में जो ये आप देख रहे हो ना, मैंने ये डॉट बनाया हुआ, ये एक्चुअली ऑयल है। ये फ्रेंड्स लुब्रिकेशन ऑयल है और हाइड्रोलिक ऑयल भी है एक्चुअली।
क्योंकि ये दोनों काम करता है। एक तो जो पिस्टन चलती है, तो पिस्टन चलती है तो इसमें लुब्रिकेशन चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए तो फ्रेंड्स पंप के थ्रू लुब्रिकेट होगा, जैसा कि इंजन में होता है नॉर्मली आप जानते हो। ये दूसरा, इस लुब्रिकेशन के साथ साथ ये ऑयल जो है हाइड्रोलिक प्रेशर का भी काम करता है। कैसे, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, ये पिस्टन अभी मान लें ये पिस्टन है और पिस्टन ये नीचे की दशा में जा रहा है, ऐसे डाउन स्थिति में जा रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो ये डाउन स्थिति में जा रहा है, तो होगा क्या, जो ये डायफ्राम है ना फ्रेंड्स, ये डायफ्राम ऐसा नहीं होगा, फिर डायफ्राम की पोजीशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ झुक जाएगा, झुक गया। अब ये फ्रेंड्स जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ ऐसे झुकेगा, यानी जब ये पिस्टन नीचे को होगी, तो ये तो सील्ड है, सील्ड है, तो होता क्या है, जब पिस्टन नीचे आएगी तो पिस्टन क्या है, यहाँ कम वैक्यूम बनाएगी तो ये वाल खुल जाएगा और ये पंप हाइड्रोलिक पंप का हो या ल्यूब्रिकेशन पंप का हो, पंप स्टार्ट रहता है, तो ये पंप की सेटिंग ऐसे होती है कि जैसे ही पिस्टन नीचे आएगी, ये भी इसी के साथ कनेक्ट रहता है, तो पिस्टन नीचे आएगी तो ये आगे को ऑयल पंप कर देगा, जैसे पिस्टन नीचे आएगी इसमें ऑयल आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑयल आ जाएगा, जब ये पिस्टन नीचे आएगी तो ये ऑयल भर जाएगा और ये जो डायफ्राम है नीचे की तरफ खींच जाएगा। जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ खींचेगा तो यहाँ भी वैक्यूम क्रिएट होगा और यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये जो है ये वाल्व खुल जाएगा, जो इसका सक्शन वाल्व है, ये वाल्व नीचे की तरफ खुल जाएगा और इससे गैस अंदर आ जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, गैस अंदर आ जाएगी, ये सक्शन पोजीशन हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, अब मान लीजिए ये जो है पिस्टन नीचे की बजाय ऊपर की स्थिति में जा रही है, फ्रेंड्स ऊपर की स्थिति में जा रही है, तो ऊपर की स्थिति में जाएगी तो क्या होगा, ये जो हमारा डायफ्राम है ये बजाय नीचे ना होकर के ये इस तरीके से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर की पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, ये जो है ऊपर की पोजीशन में आ जाएगा इस तरीके से और ये इसमें सब में ऑयल आ जाएगा। तो एक तो ऑयल के साथ साथ ही लुब्रिकेशन हो गया, दूसरा पिस्टन क्या है, जब ये ऑयल इसके अंदर आ जाता है और जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो फ्रेंड्स ये वाल बंद हो जाता है और ये वाल जो रहता है ये भी कुछ हद तक बंद रहता है, कब तक, इसका भी प्रेशर रहता है, क्या प्रेशर रहता है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली वाल जो होते हैं ये इस टाइप के होते हैं, यानी पीआरवी टाइप के होते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व, तो इसमें हमने प्रेशर कुछ निश्चित रहता है कि डायफ्राम जितने पे ऊपर पहुंच जाए, तो उस हिसाब से एकदम ऐसा नहीं है कि जैसे ही पिस्टन ऊपर जाना शुरू हुआ तो ये बंद हो गया और ये खुल गया, ऐसा नहीं होता सडनली, ये पीआरबी टाइप के वाल्व लगे रहते हैं, तो ये इसको हमने सेट कर दिया कि मान लो ये 50 केजी पे खुलेगा, यानी जब तक इसमें 50 केजी प्रेशर ना हो ये ना खुले, तो जब 50 केजी प्रेशर नहीं हुआ तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ आएगा, मान लो पिस्टन जब लास्ट पोजीशन में आएगा तो इसमें लगभग 50 केजी डेवलप हो जाएगा और ये पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा, डायफ्राम ऊपर आ गया, जब डायफ्राम ऊपर आएगा तो ये स्पेस कम होगा, ये स्पेस कम होगा, जब डायफ्राम ऊपर आएगा तो फ्रेंड्स ये ऊपर की स्थिति में जाके वाल्व बंद हो जाएगा नॉर्मली और ये वाल्व खुल जाएगा, सक्शन डिस्चार्ज वाला, ये डिस्चार्ज वाल्व है और ये सक्शन वाल्व है, तो डिस्चार्ज वाल्व खुल जाएगा यानी ये ऊपर की स्थिति में निकल जाएगी, ठीक है, गैस क्या होगा यहाँ से सक होगी, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा दिखा नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो ऑयल है ये ऑयल पंप लगा रहता है और इसी कनेक्ट शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है, तो इसकी ये क्या करता है, लुब्रिकेशन के साथ साथ इस डायफ्राम को अप और डाउन करने में पिस्टन की हेल्प करता है। मींस अगर डायरेक्ट पिस्टन लगेंगे तो वियर एंड टियर होगा, तो डायरेक्ट पिस्टन तो इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसमें ऑयल की मदद से इसको अप एंड डाउन करते हैं डायफ्राम को, ये एक तरह से लुब्रिकेशन के साथ साथ हाइड्रोलिक ऑयल भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो काफ़ी प्रेशर पे बर्न नहीं होता, काफ़ी प्रेशर पे लीकेज नहीं करता, ये उस तरीके का ऑयल होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए, इसकी तीन स्थिति होती है, ये नॉर्मल स्टेज, फ्रेंड्स ये मतलब बना देता हूँ, ये जो है डायफ्राम की जो बिल्कुल सेंटर में है ये नॉर्मल स्टेज है, जहाँ पे ना अप प्रेशर ज़्यादा है ना डाउन प्रेशर ज़्यादा है, ये, और ये जो नीचे मैं बना रहा हूँ एक, ये सक्शन है इस तरीके से, ठीक है, तीन पोजिशन हो गई, ये इसकी सक्शन पोजिशन है, ये इसकी न्यूट्रल पोजिशन है और ये इसकी डिस्चार्ज पोजिशन है, जब गैस को डिस्चार्ज करेगा, तो गैस क्या है ऊपरी हिस्से में रहती है और ऊपर करती रहती है और ये नीचे से अपना इस तरीके से चलता रहता है फ्रेंड्स, ये सिंगल एक्टिंग है, ठीक है। अच्छा, इसमें खासियत यही होती है कि गैस किसी भी सूरत में, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सेपरेट रहता है, तो नीचे आने की या इसमें मिक्स करने की या लीकेज होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, कहीं भी बॉडी से लीकेज नहीं हो सकता, इसीलिए इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है जब जो टॉक्सिक गैसें होती हैं, रेयर गैसें होती हैं उनके लिए, या फ्लेमेबल गैस होती है बहुत ज़्यादा, उनमें इसको ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग में,
ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये जो हमारा डायफ्राम है फ्रेंड, डायफ्राम किस चीज़ का बना हुआ होता है कि ये इतना प्रेशर झेल लेता है। पहले तो प्रेशर की बात कर लेते हैं, डायफ्राम में होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ आ जाइए। ठीक है, ये मैंने भी लिखा ना, वाई डायफ्राम यूज, डायफ्राम यूज क्यों होता है। डायफ्राम यूज इसीलिए किया जाता है कि गैस को कम से कम, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ असेंबली नहीं होती है और इसमें लीकेज के चांस ना के बराबर होते हैं, यानी बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं गैस को हम एक साइड में, इसीलिए इसको हम डायफ्राम टाइप को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी अगर हम इसमें पिस्टन में सटा देंगे, मान लीजिए हमने ये पिस्टन में सटा दिया, तो कुछ समय चलने के बाद जो ये रिंग है ना, जो रेसिप्रोकेट हमारा नॉर्मल टाइप का है वो इससे चलता है, तो ये जो रिंग है ये रिंग क्या घिस जाते हैं, जब रिंग घिस जाएंगे तो ये गैस लीकेज करके अंदर आ जाएगी। तो उस कंडीशन में और ज़्यादा प्रेशर के लिए हम जब जो गैसें में बिल्कुल सेपरेट रखनी है उन गैसों को हम डायरेक्टली रेसिप्रोकेटिंग पे रिंग वालों पे नहीं डालते, उसको डायफ्राम टाइप पे डालते हैं, क्योंकि ये अंदर लीकेज करेंगी तो अंदर तो नीचे अंदर नीचे मशीनरी फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो ये गैस के तो जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आग लग जाएगी, इसी कारण डायफ्राम टाइप का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं इसका प्रेशर कैपेसिटी क्या होती है, डिस्चार्ज कैपेसिटी, यानी ये जो गैस का डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो कितनी हो सकती है फ्रेंड्स, वो 100 मीटर क्यूब पर आवर, यानी 100 मीटर क्यूब पर आवर का क्या मतलब हुआ कि 100 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, तो 100 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आएगा आप बताओ, 100 × 1000 इतना लीटर पर आवर, यानी लगभग क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख लीटर पर आवर की कैपेसिटी होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, 1 लाख लीटर पर आवर की कैपेसिटी तक ये काम कर सकते हैं, यानी 1 घंटे में 1 लाख लीटर गैस को ये डिस्चार्ज कर सकता है या उतना काम कर सकता है। अब फिर इन करते कितने प्रेशर पे काम करता है, मैंने लिखा डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर में ये 100 MPa मेगा पास्कल तक काम कर सकता है फ्रेंड। 1 MPa जो होता है 10 bar होता है, यानी 10 × 100 ये हो गया 1000 bar। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 bar का प्रेशर हो गया, 1 bar और 1 kg लगभग बराबर होते हैं, लेकिन 1 bar ज़्यादा होता है, 1 bar में 1.019 या आप कह सकते हो 1.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी बार बड़ा होता है kg से, तो अगर kg की बात करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 1020 kg के आसपास ये बैठेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था 1000 bar फ्रेंड बहुत ज़्यादा होता है, कितने प्रेशर तक ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट डायफ्राम मेटल, ये जो डायफ्राम रहता है किस मेटल का बना होता है फ्रेंड्स, ये कई तरीके कई सारे मेटल होते हैं इसमें, जैसे सिलिकॉन स्टील SS बोल सकते हो आप, ठीक है, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है, टैंटलम TAN, टैंटलम ठीक है, इसका होता है, एक होती है फ्रेंड्स मोनल, इनकोनल फ्रेंड, इन धातुओं का बना होता है ये जो है ना, जैसे SS है, टाइटेनियम है, टेंटलम है, मोनल है, इनकोनल है, इनकी फ्रेंड्स होता है क्या, ये सारी एलॉय हैं, ये कोई प्योर धातु नहीं है, एलॉय मींस कई सारी धातुओं से मिलके बना होता है, जैसे कॉपर को SS को, यानी स्टील को मिला दो और कॉपर को मिला दो, स्टील को मिला दो टंगस्टन को मिला दो, इसी प्रकार से कई सारी धातुओं से मिलके बनाया जाता है, जिससे इसकी जो है कोरोजन रेजिस्टिव हो जाए और टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, और जैसे अब हमें यहाँ गैस के साथ काम करना है तो गैस के साथ करना ये गर्म ना हो, पहली बात तो ये भी ध्यान रखता है, दूसरा जो हमारा ऑयल है ये भी इसको ठंडा करता रहता है, तो ऑयल के 3 काम हो गए, एक तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए प्रेशर देना और लुब्रिकेशन करना और इसको सेज में ठंडा भी करना डायफ्राम को, ठीक है, क्योंकि डायफ्राम अप डाउन होगा तो फ्रेंड गर्म तो होगा ना फ्रिक्शन के कारण, तो उस तरीके से ये काम करता है। तो डायफ्राम हमारा कितनी धातुओं का हो गया, SS का होता है, टाइटेनियम का होता है, टेंटलम का होता है, मोनल का होता है, इनकोनल का होता है, ये सारी एलॉय हैं, कई सारी धातुओं को मिलाकर बनाई गई हैं, उनके ये डायफ्राम होते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे को वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फ्रेंड्स आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।